हाउ स्टूडेंट्स विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एनसीआर एक्सरसाइज वर्क पावर एंड एनर्जी और क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरजोंटल लाइन वॉट इज वर्कडन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको आप कुछ कैसे समझो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ठीक एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा फेंका प्रोजेक्टाइल की तरह ये जैसा अपन थ्रो करते हैं ना बॉल को ये गया ऑब्जेक्ट ठीक जस्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए है और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन बी है अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एकदम स्ट्रेट है तो कह रहे हैं व्हाट इज डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा आपको जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है ये ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट है ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वी हैव टू ओनली लुक एट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन ए बी हो गया अब कह रहा है वॉट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट की ट्रेजिक्ट्री कैसी है जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड हर जगह हर समय जो उसका वेट है वो कहाँ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड इस प्रकार से तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये एंगल हमेशा कितना बनेगा बेटा दिस एंगल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री है ना ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट है आपका तो एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है मतलब वर्क डन कितना होगा बेटा वर्क डन आपका आ जाएगा द वर्क डन इज़ ज़ीरो तो इसमें आपको ऐसा डायग्राम बना देना अच्छे से और लिख देना सिंस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन थीटा बोलते हैं सिंस थीटा इज़ 90 डिग्री देयर फोर वर्क डन इज़ ज़ीरो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग Bye-bye.